नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलस्काई में आपका स्वागत है। पीपीएच यानी पोस्ट पार्टम हेमरेज एक कॉम्प्लिकेशन है जो महिलाओं को डिलीवरी के दौरान और बाद में हो सकती है। आमतौर पर यह डिलीवरी होने के बाद ही होती है। इसके अधिकतर मामले सिजेरियन डिलीवरी में देखे गए हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पीपीएच आखिर है क्या, क्या इस कंडीशन से बचा जा सकता है। भारत में 100,000 में 100 महिलाओं में डिलीवरी के दौरान या बाद में पीपीएच के मामले देखने को मिलते हैं। पीपीएच यानी पोस्ट पार्टम हेमरेज यानी डिलीवरी के बाद बहुत अधिक ब्लीडिंग होना। डिलीवरी के बाद यूट्रस प्लेसेंटा को बाहर निकालने के लिए सिकुड़ता है, लेकिन कुछ केस में ये सिकुड़ना बंद कर देता है जिस कारण ब्लीडिंग होने लगती है। इसे प्राइमरी पीपीएच कहा जाता है। जब प्लेसेंटा के छोटे छोटे टुकड़े यूट्रस में जुड़े रह जाते हैं तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। इस स्थिति में अधिक खून बहने से महिला की मृत्यु तक हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 24 घंटे के अंदर 1000 मिलीलीटर से अधिक रक्त का रिसाव इसे गंभीर पीपीएच माना जाता है। प्रसव के दौरान लंबे समय तक लेबर और पहले भी कई डिलीवरी हो चुकी हो, इन्फेक्शन और मल्टीपल प्रेगनेंसी, गर्भ में बच्चे का वजन अधिक होने से भी गर्भाशय में बहुत अधिक खिंचाव आ सकता है जिसकी वजह से पीपीएच हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन की कमी भी खतरनाक हो सकती है। पीपीएच के लक्षणों की बात करें तो यह हर महिला में अलग अलग होते हैं। अधिक ब्लीडिंग जो कंट्रोल ना हो, ब्लड प्रेशर गिरना, हार्ट रेट बढ़ना, वजाइना और पेरिनियल रीजन के टिश्यूज में दर्द, रेड ब्लड सेल काउंट का कम होना। पीपीएच जैसी गंभीर स्थिति से बचने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी डाइट लें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लें, साथ ही एनीमिया और हाइपरटेंशन से बचाव करें। इससे पीपीएच का खतरा कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान अपने हीमोग्लोबिन का ध्यान रखें। एक्सपर्ट के अनुसार प्रेगनेंसी के दौरान महिला का हीमोग्लोबिन 11.5 होना चाहिए। डिलीवरी के दौरान या कुछ दिन बाद अगर पीपीएच नहीं हुआ तो इसका ये अर्थ नहीं है कि खतरा टल गया है। सेकेंडरी पीपीएच डिलीवरी के 12 हफ्तों तक कभी भी हो सकता है। अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा हो तो डॉक्टर से सलाह लें।